हेलो एवरीवन, आज असी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग द फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है वेब डिवेलपमेंट यूजिंग PHP। उस दे फर्स्ट सेशन दे विच असी फर्स्ट चैप्टर दे बेसिक टॉपिक्स ने जिहड़े वो डिस्कस करांगे। टॉपिक जिहड़े अज असी डिस्कस करने ने उन्हां दे विच सब तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ XML, नैक्सट इज़ द हिस्ट्री ऑफ XML, नैक्सट इज़ ओरिजिनस ऑफ XML, then comparison of XML and HTML, and the last topic जो असी डिस्कस करांगे आज वो है components of XML। सब तो पहला first topic, that is what is XML। XML दी full form है extensible markup language। इस language नू design कीता गया सी data नू store and transport करन दे लई। XML जो language है text based markup language है और इसनों डिराइव किया गया सी SGML तो। SGML दी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ XML। XML जो है वो W3C दी रिकमेंडेशन सी 1999 दे विच, और इसनों जिस टाइम रिकमेंड किया गया सी ता इस दी स्पेसिफिकेशन जड़ियां सी गया वो सिर्फ 26 पेजेस दे विच डिफाइन की गई सी। ये एक सिंपल लैंग्वेज है और यह मार्कअप लैंग्वेज नू लॉजिकली रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ XML। XML जो है वो अलग अलग फेजेस तो बाद इन्फ्लुएंस लेके फिर इंप्लीमेंट हुई। तो मार्कअप लैंग्वेज है जिहड़ी उसका सब तो पहला वर्जन 1984 दे विच आया सी और उसनू असी कहंदे सी GML, जिसका मतलब है जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। उस तो बाद 1986 दे विच SGML जो है वो एक ISO स्टैंडर्ड बन गया सी मार्कअप लैंग्वेजेस दे लई, और सब तो पहला HTML जिहड़ा है वो 1994 दे विच यूज़ होया सी, जिसनू असी वैब पेजेस डेवलप करने लिए यूज़ करते सी। और 1999 दे विच XML जिहड़ा सी वो रिकमेंड किया गया मार्कअप लैंग्वेज तौर पर यूज़ करने के लिए। नाउ व्हाट इज़ SGML? SGML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, और SGML एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया सी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टैगिंग ऑफ एलीमेंट्स, मीनस जेडे भी असी टैग्स यूज करने हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए। और एक किसी भी पर्टिकुलर टैग की फॉर्मेटिंग डिफाइन नहीं करता, बट इट डिफाइनज रूल कि असी उन्होंने टैग्स नू किस तरीके ना यूज़ करना है। असी हुण तक जो भी टर्म्स पढ़िया ने उन्होंने असी एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं मार्कअप। ना मार्कअप लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिस दे विच असी टैग्स यूज़ करते हैं और उन्हें टैग्स नू डिफाइन करने के लिए असी एलीमेंट्स यूज़ करते हैं। ह्यूमनस के लिए ईजीली रीडेबल लैंग्वेज है जिस दे विच वर्ड्स यूज़ होंदे ने किसी भी डॉक्यूमेंट नू क्रिएट करने के लिए। इस दे विच टिपिकल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स ने जिहड़े वो यूज़ नहीं होंदे, और जिहड़े टैग्स असी वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्होंने असी कहने हैं टैग्स। नैक्सट इज XML दे यूजेस की ने, असी XML नू किथे किथे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके नाल यूज़ कर सकते हैं। सब तो पहला है XML है जिहड़ा ए HTML डॉक्यूमेंट्स नू सिंपलीफाई करन दे लई यूज़ हुंदा वा। सेकेंड इज़ XML इनफॉर्मेशन एक्सचेंज करन दे लई यूज़ हुंदा वा बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस या सिस्टम्स। नैक्सट इज़ XML है जिहड़ा उसनों डेटाबेस दे विच ऑफलोडिंग या रीलोडिंग दे लई असी यूज़ करते हैं। अजकल जिन्ने भी वैब डिवेलपमेंट दे विच डेटा ट्रांसफर कॉन्सेप्ट यूज़ होंदे ने उन्हां दे विच जदों ही डेटाबेस तो लैके फ्रंट एंड तक या डेटाबेस टू डेटाबेस तक अगर डेटा ट्रांसफर करते हैं तां उस दे लई इंस्टेड ऑफ एक फाइल असी XML डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। XML है जिहड़ा उस दे विच
डेटा स्टोर और अरेंज किया जाता वा, असं उसनों कस्टमाइज़ कर सकते हाँ। इस दे विच ईजीली स्टाइल शीट्स ने जिहड़ियां ओह मर्ज हो जांदियां ने, एंड किसी भी तरह का डेटा है जिहड़ा ओह असी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट दे विच यूज़ कर सकते हैं, डेटा टाइप्स ने जिहड़े ओह यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपैरिजन ऑफ एक्सएमएल एंड एचटीएमएल। एक्सएमएल असी कह रहे हैं कि मार्कअप लैंग्वेज है, बट एचटीएमएल असी ऑलरेडी सुन चुके हैं कि वैब डिवेलपमेंट के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज आ। सब तो पहला पॉइंट, एचटीएमएल है जो इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल जो है इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल डिज़ाइन किया गया सी डेटा नू डिस्प्ले करन दे लई, मीनस असी इस दे नाल अपने वैब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जिस दे नाल जो साडे वैब पेज का कंटेंट है या असी जो इनफॉर्मेशन पानी है उसनों असी वैब पेज दे विच डिस्प्ले कर सकते हैं। एक्सएमएल जो है वो डेटा नू डिस्क्राइब करन दे लई यूज़ किया जाता। एचटीएमएल फोकस करता है कि डेटा की लुक की होएगी, किस तरीके का दिखेगा, बट एक्सएमएल जो है वो फोकस करता है कि साडा एक्चुअल डेटा हैगा की आ। HTML दे विच प्री डिफाइंड टैग्स यूज़ होंदे ने, मीनस जो ऑलरेडी डिफाइंड ने, असी कोई नवा टैग नहीं यूज़ कर सकते अपने वालों, बट XML दे विच असी सेल्फ डिफाइन या डिस्क्राइब किए हुए टैग्स ने जिहड़े वो यूज़ करते हैं। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, मीनस वो डिफरेंशिएट नहीं करता कैपिटल एंड स्मॉल लैटर्स दे विच लिखे हुए टैग्स एंड कोड्स नूं, बट XML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। HTML दे कई टैग्स दे विच उन्हां नूं क्लोज़ करन दी जरूरत नहीं पैंदी, बट XML दे विच जो टैग्स ने उन्हां नूं क्लोज़ करन दी जरूरत पैंदी है, मीनस सानूं एंड टैग लगाउण दी जरूरत पएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ XML। बेसिक कंपोनेंट्स जिहड़े XML डॉक्यूमेंट दे विच यूज़ हुंदे ने उहने एलीमेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड कमेंट्स। तीनों कॉम्पोनेंट्स ने जिहड़े वो किसी भी XML डॉक्यूमेंट्स नू ईजीली अंडरस्टैंड करन दे लई यूज़ करते हैं। असी हुण सब तो पहला असी डिस्कस करांगे एलीमेंट्स। एलीमेंट्स मार्कअप लैंग्वेज दे विच सैक्शनस क्रिएट करन दे लई यूज़ हुंदा वा, बिल्कुल उसी तरीके नाल जिवें असी HTML डॉक्यूमेंट दे विच यूज़ करते हैं। और जदों भी असी एलीमेंट्स डिफाइन करने ने तो वो हमेशा इनकलोज्ड होंगे बिटवीन टू एंगल ब्रैकेट्स, जिन्हें असी टैग कहने। सब तो पहला स्टार्ट एलीमेंट होएगा और उस दे नाल ही उसका क्लोजिंग टैग होएगा विद द सेम नेम, और उन्हां दोनों टैग्स के विचकार असी कंटेंट लिखांगे अपना, बिल्कुल उस तरीके नाल जिस तरीके नाल असी HTML च लिखते हैं। बट इत्थे HTML दे डिफाइंड टैग्स नालों असी XML दे विच यूज़र वालों डिस्क्राइब किए हुए जिहड़े वर्ड्स ने उन्हां नूं असीं यूज़ करांगे। सो दिस इज़ अ जर्नल एग्जाम्पल ऑफ एलीमेंट्स। फर्स्ट है असीं एक एलीमेंट क्रिएट किया पेशेंट नेम, और पेशेंट नेम उस नाल क्लोज़ किया है। सैकेंड एलीमेंट क्रिएट किया पेशेंट एज। थर्ड असीं क्रिएट किया है पेशेंट वेट। सो उन्हां तिन्नां नूं असीं क्लोज़ किया है। टैग्स दे विचकार जॉन है, 108 है, 55 है, तो ये तिन्नों ने जिहड़े उन्हां टैग्स दे एलीमेंट्स दीयां वैल्यूज़ और कंटेंट्स ने। अगे है एट्रीब्यूट्स। HTML दी तरह XML दे विच भी एट्रीब्यूट्स हुंदे ने जो उन्हां एलीमेंट्स दीयां प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां उन्हां नूं डिफाइन करदे आ, और जदों भी असीं XML दे विच उन्हां एट्रीब्यूट्स नूं वैल्यूज़ असाइन करनियां ने तां ओह हमेशा कोट दे विच होणियां चाहीदियां ने, और कोट है असीं सिंगल या डबल दोनों चों कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और एलीमेंट्स दे विच एट्रीब्यूट डिफाइन करन दा सिंटैक्स है, पहलां असीं टैग स्टार्ट करांगे, फिर एलीमेंट नेम आएगा, फिर स्पेस आएगी, फिर एट्रीब्यूट नेम आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू, और वैल्यू हमेशा इनक्लोज कादे विच होएगी कोट्स दे विच। उस तो बाद असी उस एलीमेंट नू क्लोज करांगे।
नेक्स्ट इज कॉमेंट। कॉमेंट्स ने जिहड़े ओह किसी भी डॉक्यूमेंट नू ईजीली अंडरस्टैंड करन दे लई असी यूज़ करते हैं। जिस तरीके नाल HTML दे विच कॉमेंट यूज़ हुंदे सी, उस तरीके नाल असी XML डॉक्यूमेंट्स दे विच कमेंट यूज़ करांगे। उस दे लई टैग जिहड़ा यूज़ हुंदा है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, दैन हाइफन डबल टाइम यूज़ करांगे, और क्लोजिंग दे विच असी सिर्फ हाइफन यूज़ करांगे। और दोनों टैग्स दे विचकार ओह लाइनस लिखांगे जिहड़ियां असी चाहते हैं कि ब्राउज़र दे विच डिस्प्ले ना होन, या जिन्हां नूं आउटपुट दे तौर पर प्रोसैस ना किया जाए। सो दीज आर द बेसिक कॉम्पोनेंट्स जिन्हां दे नाल असी अपना XML डॉक्यूमेंट है जिहड़ा क्रिएट करते हैं, बिल्कुल उस तरीके नाल जिस तरीके नाल असी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जदों भी असी अपना XML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कंटेंट नूं लिखण दे लई सानूं एलीमेंट्स की जरूरत है, और जो एलीमेंट्स ने उन्हां दे उपर इफेक्ट देन दे लई उन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करन दे लई असी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और उस डॉक्यूमेंट नूं ईजीली अंडरस्टैंड करन दे लई असी कमेंट्स यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर बेसिक्स ऑफ XML।